जय हिंद दोस्तों, गुडविल एडुकेयर पर आप लोग का स्वागत है। जैसा कि बाबू चल रहा था, हम लोग का CUT को लेकर के प्रिपरेशन चल रहा है। CUT के लिए बेस्ट कोचिंग लंका पर गुडविल है, आप कॉमर्स के लिए विजिट कर सकते हो। अच्छे से तैयारी किया जाता है, इसका ऑफलाइन सेंटर पे काफ़ी क्लासेस अवेलेबल है, ऑनलाइन से भी जुड़ सकते हैं, इस ऐप से जुड़ सकते हैं। आप चाहो तो गुडविल एडुकेयर आप डाउनलोड करें और यहां से जुड़ सकते हैं ऑनलाइन के लिए। जैसे कि हम लोग 3-4 सालों से अभी चल रहा है डिजिटल बोर्ड से काम, सोचा जा रहा है कि अधिक से अधिक किया जाए, अच्छा से अच्छा किया जाए। और बाबू, जैसे कि आप किसी भी जो भी क्लासेस होंगे, मैथ के होंगे, रीजनिंग के होंगे, जो भी क्लासेस होंगे CUT को लेकर के, आप इसका फ्री PDF प्राप्त कर सकते हैं। फ्री PDF मिल जाएगा आपको, जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा यहाँ से, सब क्वेश्चन है, सबका PDF मिल जाएगा। आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, इस ऐप गुडविल एडुकेयर के ऐप को डाउनलोड करके यहाँ से आप फ्री PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और टोटल क्लासेस के जो लेक्चर्स हैं, रीजनिंग के, मैथ के, GS के, जो भी आपको कॉमर्स रिलेटेड जितना भी है आपको सब्जेक्ट, सब अवेलेबल रहेगा। और साथ में बाबू, CUT की तैयारी को देखते हुए जो आपका जनरल टेस्ट का होता है, रीजनिंग, मैथ, जितने भी GKGS होते हैं, वहाँ का इसका भी वीडियो आप लोग यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। बाबू, जैसे कि हम चलेंगे कैलेंडर को लेकर के, यानी मैं जो पढ़ाऊंगा वो रीजनिंग पढ़ाऊंगा आप लोगों को, और रीजनिंग में कैलेंडर ऐसा टॉपिक है जहाँ से 2-3 क्वेश्चन पूछ ही देते हैं, ना चाहते हुए भी क्वेश्चन पूछ देता है। किसी भी कंपटीशन में, चाहे आप कोई भी कंपटीशन दो, SSC दो, बैंक दो, रेलवे दो, या CUT दो, कोई भी कंपटीशन दो, यहाँ से क्वेश्चन पूछ ही देता है। तो बाबू, कैलेंडर करेंगे हम लोग कॉन्सेप्ट के साथ, टोटल कॉन्सेप्ट के साथ। आओ देखते हैं कैलेंडर होता क्या है, बेसिकली चीजें कैलेंडर होती क्या है, आइए देखते हैं। कैलेंडर बाबू क्या होता है, हम लोग ये जानते हैं कैलेंडर में बेसिक चीजें देखी जाती है, डे, वीक, आपका कौन सा दिन है, कौन सा मंथ है, यानी डे, मंथ, ईयर, ये देखी जाती है। और जो क्वेश्चन पूछते हैं कैलेंडर में, जो क्वेश्चन पूछते हैं दिन पर आधारित पूछते हैं, डे पर, क्वेश्चन बेस्ड ऑन डे, यानी कौन सा डे, इतने तारीख को, ये साल में, कोई भी साल दे करके आपको डे पूछ देगा कि चलो बताओ आप 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, इस तरह से क्वेश्चन पूछ देगा। चाहे कोई भी पूछ सकता, कहीं से भी पूछ सकता है, कौन सा दिन रहा होगा, या 26 जनवरी 2025 में कौन सा दिन होगा, वो कुछ भी पूछ सकता है। ये कैलेंडर का मतलब ये है कि आपको डिफाइन करने आना चाहिए। कैलेंडर का टोटल कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर करेंगे, आप लोग जुड़े रहिएगा। आइए देखते हैं कैलेंडर में क्या है, कैसे लिखाना जाता है, आओ देखते हैं। पहले तो आप ऑड डेज क्या होते हैं उसको, उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं। ऑड डेज का मतलब होता है बाबू, आप ये जानते हो वीक में सेवन डेज होते हैं, तो ऑड डेज का अगर हम लोग कॉन्सेप्ट देखेंगे, विषम दिन, ऑड डेज का अगर कॉन्सेप्ट देखते हैं, तो ऑड डेज ये होता है बाबू, जैसे मैं बोल दूं कि 25 है, तो 25 में कितने ऑड डेज हैं, तो फॉर ऑड डेज इधर देख लेते हैं, फॉर ऑड डेज ऑड डेज के लिए क्या करेंगे बाबू, डिवाइड बाय 7, ये जो मैं बता रहा हूं देखना, फॉर ऑड डेज डिवाइड बाय 7, किसी भी नंबर को 7 से डिवाइड करेंगे ऑड डेज हमको दे देगा, ठीक। और यहां पर देख लेते हैं फॉर लीप ईयर डिवाइड बाई 4, लीप ईयर फाइंड करने के लिए हम लोग किसी भी नंबर को 4 से डिवाइड करेंगे, लीप ईयर मिल जाएगा हम लोग को, ठीक है। इतना तक समझ में आया, यानी याद रखना ऑड डेज के लिए 7 से डिवाइड करते हैं, लीप ईयर के लिए 4 से डिवाइड करते हैं, ये चीजों को कंसेप्ट क्लियर करना। जैसे बाबू ऑड डेज जो होते हैं बाबू, जो ऑड डेज होते हैं, ऑड डेज इक्वल टू डे ऑफ द वीक, यानी वही सप्ताह का दिन होगा, यानी ऑड डेज अगर एक आया है तो वो वीक का कौन सा डे होगा वो डिनोट करेगा,
ऑड डेज अगर दो आया है, ऑड डेज थ्री आया है, ऑड डेज फोर आया है, ऑड डेज फाइव, ऑड डेज सिक्स, ऑड डेज जीरो आया है, तो इसका ये वीक का कौन सा डे होगा ये दिखाता। ऑड डेज इक्वल टू रिमाइंडर, यानी ऑड डेज को लिख सकते हो ऑड डेज इक्वल टू रिमाइंडर इक्वल टू डे ऑफ द वीक, डे ऑफ द वीक। अगर यहां पर याद रखो, अगर ऑड डेज या रिमाइंडर वन आता है, ऑड डेज या रिमाइंडर वन आता है तो वो हो जाता है आपका मंडे, याद रखना। अगर ऑड डेज वन आता है या रिमाइंडर वन आता है तो वीक कौन सा डे वीक ऑफ द डे होता है, मंडे होता है। ऐसे ही याद कर लेना आप लोग सीरियल वाइज। अगर एट डे टू ऑड डेज टू आएगा तो ट्यूजडे हो जाएगा, यानी ऐसे ही आपको इस सीक्वेंस में याद करना है। जीरो अगर आ गया, ऑड डेज अगर जीरो आ गया, रिमाइंडर जीरो आ गया, याद रखना ऑड डेज इक्वल टू रिमाइंडर। ठीक, रिमाइंडर कैसे निकालेंगे, सेवन से डिवाइड करने के बाद। अगर ऑड डेज जीरो आ जाएगा बाबू तो उसको दे देंगे हम संडे, क्या दे देंगे, संडे। ठीक है, यहां तक समझ में आया, यानी ऑड डेज निकालने की प्रोसेस। जैसे आपको आपको पूछ दे क्वेश्चन, यहां से मैं यहां पर लिख लेता हूं। जैसे ये पूछ दे क्वेश्चन कि आप बताओ कि एक महीने मतलब जनवरी मंथ में, जनवरी मंथ में कितने ऑड डेज होते हैं, तो बाबू आप ये जानते हो जनवरी मंथ कितने दिन के होते हैं, 31 डेज के होते हैं। इसको सीधा डिवाइड करो सेवन से, कितने ऑड डेज मिल जाएंगे आपको, कितने ऑड डेज, सॉरी। ठीक, यानी बाबू अगर ये करोगे, फेब्रुवरी में कितने ऑड डेज होते हैं, फेब्रुवरी में ऑड डेज होते हैं वो डिपेंड करता है ईयर पर, लीप ईयर है तो अलग हो जाएगा, सिंपल ईयर है तो अलग हो जाएगा। यानी आप चाहो तो क्या कर सकते हो, ऑड डेज के लिए ऑड डेज के लिए बाबू सेवन से डिवाइड करते हैं। ठीक, और जो रिमाइंडर मिलता है वही डे ऑफ द वीक हो जाता है। आओ अब लीप ईयर को समझ लेते हैं, क्या होता है लीप ईयर। जैसे ये कर लेंगे बाबू, लीप ईयर के लिए फोर से डिवाइड किया जाता है, फोर से डिवाइड किया जाता है। मैं बोल दूं कि कोई भी सन बोल दूं, इसमें 25 में कितने लीप ईयर है, तो बाबू इसका जो रिमाइंडर आता है वो लीप ईयर नहीं लेते हैं, इसमें क्वेश्चन लेते हैं, भागफल जो आता है वो लेते हैं, क्या लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। यानी अगर ये है 25 है, 25 को 4 से डिवाइड करोगे और पूछेगा कितने इसमें लीप ईयर हैं, तो इसको डिवाइड करेंगे 4 से, तो ये लीप ईयर नहीं हुआ, याद रखना। लीप ईयर फाइंड करने के लिए क्वेश्चन लेते हैं, भागफल लेते हैं, और ऑड डेज फाइंड करने के लिए, ऑड डेज फाइंड करने के लिए रिमाइंडर ये लेते हैं, रिमाइंडर लेते हैं, सेवन से डिवाइड किया जाता है ऑड डेज के लिए, लीप ईयर के लिए 4 से डिवाइड किया जाता है। यानी इस 25 में 25 में कितने लीप ईयर हैं, 6। अगर मैं बोल दूं 2007 में कितने लीप ईयर होंगे, तो लास्ट टू डिजिट को डिवाइड करना है, याद रखना लास्ट टू डिजिट को, यानी 7 लिख सकते हो, 7 को डिवाइड करोगे 4, कितने लीप ईयर होंगे, 1, रिमाइंडर नहीं लेना, याद रखिए। जैसे मैं बोल दूं 2008, इसमें कितने लीप ईयर है, लास्ट टू डिजिट को 4 से डिवाइड करो, कितना मिल जाएगा, 2 लीप ईयर है। मैं बोल दूं कि 1936, इसमें कितने लीप ईयर हैं, इसमें कितने लीप ईयर हैं बाबू, इसको लास्ट टू डिजिट को 4 से डिवाइड करोगे कितना मिल जाएगा, आया समझ में कि नहीं आया, ये पॉइंट समझ में, ये क्लियर समझ में आया, आइए देखते हैं फिर से। अगर बाबू ये तो सेंचुरी ईयर अगर है, शताब्दी वर्ष रहे, सेंचुरी ईयर का मतलब जो 100 का मल्टीपल, 100 का मल्टीपल हो, जैसे इसी में देख लेते हैं, अगर सेंचुरी ईयर रहे बाबू, जैसे ये है 1900 1600, तो बाबू डिसाइड ये करोगे, ये देखोगे कि जब सेंचुरी ईयर रहेगा तो उसमें लीप ईयर फाइंड करने के लिए पहले तो ये देखो कि लीप ईयर है कि नहीं है, लीप ईयर है कि नहीं है। लीप ईयर कैसे पता चलेगा, यदि लास्ट का टू डिजिट टोटल 4 से डिवाइड हो जाए तो वो लीप ईयर होता है, यानी 1924 लीप ईयर होगा, 2024 लीप ईयर होगा, ठीक, यानी 2016 क्या होगा, लीप ईयर होगा, यानी लास्ट टू डिजिट अगर 4 से टोटली डिवाइड हो जाए तो वो लीप ईयर होता है। जैसे ये बाबू अगर आपका सर कि ये तब तक ये 4 ये है 1900 तो लीप ईयर है, नहीं, अगर सेंचुरी ईयर रहे साथ में,
अगर आपको सेंचुरी ईयर साथ में रहे बाबू, यानी शताब्दी वर्ष साथ में रहे, तो 4 से डिवाइड ना करके 400 से डिवाइड करते हैं, क्या ये डिवाइड होगा? क्या ये डिवाइड हो जाएगा? यानी अगर सेंचुरी ईयर रहे, सेंचुरी ईयर रहे, यानी 100 का मल्टीपल 100 का मल्टीपल रहे, शताब्दी वर्ष रहे, तो लीप ईयर है कि नहीं वो चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, 400 से डिवाइड करते हैं। ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? और लीप ईयर निकालने के लिए कितने लीप ईयर हैं, कितने लीप ईयर हैं इसमें, उसको निकालने के लिए हम 4 से डिवाइड करते हैं लास्ट 2 डिजिट को। ठीक, ये पॉइंट समझ में आया होगा अब तक बाबू। ऑड डेज का जो कॉन्सेप्ट है, ऑड डेज, तो आप ये जानते हो, हमने बताया 7 से डिवाइड करने के बाद ऑड डेज कितने मिलते हैं, जो मिलते हैं वही ऑड डेज हो जाते हैं। तो आप जानते हो एक हमारे पास जो ईयर होती है वो 2 ईयर होते हैं, एक होता है सिंपल ईयर, एक होता है लीप ईयर। सिंपल ईयर क्या होता है, लीप ईयर क्या होते हैं बाबू? सिंपल ईयर मतलब होता है, सिंपल ईयर जो होता है उसमें 365 दिन होते हैं, और जो लीप ईयर होता है उसमें कितने, 366 दिन होते हैं। देखिए तो हम बोल देंगे कि एक सिंपल ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं, एक सिंपल ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं, तो आप इसको 7 से डिवाइड करो, कितना मिल जाएगा, 1 रिमाइंडर। क्या मिलेगा, 1 रिमाइंडर। हम बताए हैं ऑड डेज के लिए रिमाइंडर लेते हैं, लीप ईयर के लिए क्या लेते हैं, क्वेश्चेंट लेते हैं, भागफल लेते हैं, वो भी 4 से डिवाइड करने के बाद। ठीक है, अब आओ देखते हैं बाबू यहाँ पर इसमें कितने लीप ईयर होते हैं और कितने ऑड डेज होते हैं। आर इसमें आ जाएगा 2, बस ये चीजें आप क्लियर कर लीजिए, आर इसमें आ जाएगा 2, क्या हो जाएगा, 2। तो बाबू आप ये पता चला कि एक सिंपल ईयर में ऑड डेज 1 होते हैं, एक लीप ईयर में ऑड डेज कितने होते हैं, 2 होते हैं। ठीक, आइए ये कंसेप्ट क्लियर हुआ, ये चीजें क्लियर हुआ। तो अगर यहां से पूछ देगा कि 100 एक मिनट, अब आओ बाबू हम लोग देखते हैं कि कैलेंडर में कैसे फाइन किया जाता है डे, कैसे लिखाना जाता है डे। इसके लिए बेसिकली लीप ईयर के लिए अलग ट्रिक लोग बताते हैं, सिंपल ईयर के लिए अलग ट्रिक बताते हैं, लेकिन मैं एक कंसेप्ट दूंगा, वहां से टोटल कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सिर्फ एक ट्रिक पर, लीप ईयर हो चाहे कोई भी ईयर हो, कोई भी ईयर हो, आप आसानी से डे ऑफ द वीक फाइंड कर सकते हैं। आइए देखते हैं, पहले मैं कोड कुछ लिखवा देता हूं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर का कोड लिखवा दूंगा, फिर ईयर्स कोड लिखवा दूंगा। बस 4 ईयर कोड याद करना है आपको, बस 4 ईयर कोड याद करना है, वहां से किसी भी ईयर का, किसी भी ईयर, कोई भी सेंचुरी ईयर रहे, कोई भी ईयर रहेगा, उसका आसानी से आप आंसर निकाल सकते हो। आओ देखते हैं, जैसे ये है कोड बाबू, कोड ऑफ द मंथ यानी मंथ कोड, जैसे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये हो गया आपका मंथ। यहां से बाबू आप निकाल लोगे, जनवरी का कोड हो जाता है, मैं लिखवा देता हूं 033 बस इतना याद हो कर लेना, ये होता है बस 033614625035, क्या होता है 033614625035, हिंदी में याद कर सकते हो क्या, 033614625 035। ठीक, क्या याद कर सकते हो फिर से, ये हो गया आपका बाबू मंथ कोड। ठीक, ये टोटल अप्लाई होगा, ये लीप ईयर हो, सिंपल ईयर हो, चाहे कोई भी ईयर हो, हर जगह ये अप्लाई हो जाएगा, हर जगह अप्लाई हो जाएगा, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन देने का। आओ देखते हैं ईयर कोड, ईयर कोड, बस सिंपल सा ईयर्स कोड में बस 4 याद कर लेना बाबू, अब बस 4 याद कर लो, बाकी सब कॉन्सेप्ट क्लियर, 4
16, 17, 80, 90, बस इतना याद करना है। 16 का कोड होता है 6, 17 का कोड होता है इसमें दो माइनस कर दो 4, इसका कोड होता है इसमें से दो माइनस कर दो 2, इसका कोड होता है इसमें से दो माइनस कर दो 0, बस याद कंप्लीट। ईयर्स कोड यहां से कंप्लीट। अब कोई भी ईयर का 1900 तक दिया है ना, 2025 भी दे तो यार निकाल लेंगे, 2525 भी दे तो निकाल लेंगे, इधर इसका बैक जाओ यानी 1525 भी दे तो निकाल लेंगे, 1425 दे तो निकाल लेंगे, 1300 कुछ दे तो निकाल लेंगे, बस ये याद करना ठीक। अब इसको कैसे बढ़ेंगे बाबू, मान लो बढ़ना है, अगर बोल दे कि 2024, ये तो 1900 का है, 2024 का कोड क्या होगा, तो 2000 के बाद 1900 के बाद 2000, यहां पा जाओगे 19 20 21 22 23, वो चीजें मैं बता दूंगा, इतना बस याद रखो आप, ये बस याद रखो आप। हाँ भाई ठीक, ये होता है मंथ कोड और ये होता है ईयर्स कोड ठीक। यहां तक क्लियर हुआ, यहां तक क्लियर हुआ। हमने बताया है बाबू स्टार्टिंग में ही कि ऑड डेज जो होते हैं, ऑड डेज इक्वल टू रिमाइंडर इक्वल टू डे ऑफ द वीक। अगर ऑड डेज 1 या रिमाइंडर 1 तो मंडे आ जाएगा, 2 तो ट्यूसडे आ जाएगा, ऐसे ही चलता हुआ चला जाएगा आपका। अगर 0 आ जाएगा बाबू तो वो दे देगा क्या, संडे। याद इतना याद रखना, क्या हो जाएगा, संडे हो जाएगा ठीक। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर। हमने बताया था फॉर लीप ईयर के लिए, लीप ईयर फाइंड करने के लिए डिवाइड 4 से करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं ना कि रिमाइंडर लेते हैं, रिमाइंडर नहीं लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं ठीक। आओ बाबू इसको देखते हैं, जैसे ये हो गया, आपको ये करना टोटल के सम को फॉर ये डेज, अगर दिन निकालना है तो टोटल के सम को कितने से, वीक में कितने डेज होते हैं, 7 दिन होते हैं, तो दिन निकालना है हमको, डे निकालना है, वीक ऑफ द डे निकालना है, तो 7 से डिवाइड करेंगे, यानी टोटल के सम को, टोटल सम डिवाइड बाय 7, रिमाइंडर इक्वल टू डे ऑफ द वीक, टोटल के सम को डिवाइड करेंगे 7 से, जो रिमाइंडर आएगा वही डे ऑफ द वीक हो जाएगा, रिमाइंडर 1 इक्वल टू मंडे, डन, रिमाइंडर 1 इक्वल टू मंडे। टोटल के सम को, सम ऑफ टोटल नंबर्स डिवाइड बाय 7, गेट रिमाइंडर, जो भी रिमाइंडर मेरे इक्वल टू डे ऑफ द वीक ठीक। ये चीज हो गया याद रखना सम को। अब फॉर लीप ईयर हमने बताया था, फॉर लीप ईयर हमने बताया था बाबू आपको डिवाइड बाय 7, टेक क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन आएगा वही क्या हो जाएगा, लीप ईयर, कितने लीप ईयर है। अब आप देख लेते बस कॉन्सेप्ट खत्म। अब यहां से आप कोई भी डे निकाल सकते, किसी कोई भी दिन निकाल सकते हो। आप देखते हैं एक, चलिए जैसे क्वेश्चन ये दे देगा आपको, शुरू करते हैं, पहले इसको देख लीजिए एक बार, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक आइए देखते हैं, फॉर लीप ईयर डिवाइड बाय 7, फॉर लीप ईयर डिवाइड बाय 7 देखना आप बाबू। आओ देखते हैं कैसे लगाया जाता है। जैसे मैं बोल दूं 15 अगस्त 1947 को कौन सा डे था, व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक 15 अगस्त 1947, क्या था। तो हम लोग कैसे करेंगे, एक कॉन्सेप्ट याद रखिए, बस एक चीज बता देता हूं, ये तो ओरली भी निकाल लोगे, ओरली भी निकाल लोगे, मुझे देखिए आप इसको लिखेंगे, पहले ये लिख लीजिए, आपको ट्रिक जो है ये इसका क्या करेंगे, कोड ऑफ, ये कोड ऑफ मत नहीं, जो आपको दिया रहेगा ये, यानी डे
डेट ऑफ द मंथ, क्या डेट ऑफ द मंथ, तो कौन सा डेट है बाबू, 15 अगस्त, याद रखिए जैसे मैं बना रहा हूं उसे करना है। फिर कोड ऑफ द मंथ, डेट ऑफ द मंथ प्लस कोड ऑफ द मंथ, व्हाट, अगस्त का कोड हमको क्या मिलता है, 2, क्या मिलता है बाबू, 2 प्लस, ये देखो 1947 है, 1947 है, तो बताओ इसमें कौन सा सेंचुरी लगा है, 19 लगा है कि नहीं, 1947, तो 19 का कोड देखो, 19 का कोड फिर लिखेंगे, फिर 47 में लीप ईयर खोजेंगे, ठीक, पहले 19 का कोड क्या होता है, कौन सा सेंचुरी ईयर लगा है 19, तो 19 का कोड क्या होता है बाबू, यहां से भी निकालने गए, ये क्या है 19 का कोड 0 प्लस, प्लस क्या होता है 47 को एड असेंड लिख देंगे, अब प्लस यहीं पर लीप ईयर लिखाना है, लीप ईयर खोज के लिखना है कितने लीप ईयर है, तो कितने लीप ईयर है, स्टार्टिंग में बताया था लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करेंगे, जितने भी क्वेश्चन आएंगे दैट इज लीप ईयर, तो 4 को 47 को 4 से डिवाइड करने का बाबू, ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम हो जाए 11, कितने लीप ईयर हो जाएंगे तब 11, अगर 12 लेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, 48 हो जाएगा, ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम हो जाए लेकिन ज्यादा ना हो, तो इसको इसमें लीप ईयर कितने आ जाएंगे बाबू, लीप ईयर आ जाएंगे 11, टोटल के सम को डिवाइड करेंगे 7 से, सम इसका करेंगे तो कितना सम आ जाएगा, 1, 7, 8, 2, 10, 5, 7 डिवाइड बाई 7 बाबू, 7 से डिवाइड करने के बाद हमको क्या लेना है, आर, आर इक्वल टू 5 और 5 इज द फ्राइडे ऑफ द वीक, आया समझ में, आप गूगल करके देख सकते हो, ठीक, यहां से आपको क्या मिला, जो आपको रिमाइंडर आएगा वही वीक ऑफ द डे होता है, ये चीज आया सुन, अब कैसे कैसे इसको लिखे, आओ लिख लेते हैं इसको, ये कैसे कैसे लिखा गया है इसको लिख लेते हैं, यहां पर देखो जो आपको लिखने का तरीका होता है, जो ट्रिक होता है, देखिए पहले लिखना है कोड, पहले लिखना है बाबू डेट ऑफ मंथ, डेट ऑफ मंथ यानी डीएम, डेट ऑफ मंथ डीएम, डीएम लिखे, फिर यहां पर लिखेंगे कोड ऑफ मंथ, कोड ऑफ मंथ सीएम, पहले डीएम तब सीएम, कोड ऑफ मंथ, कोड सीएम का मतलब कोड ऑफ मंथ, प्लस प्लस ये क्या है, ये जो जीरो लिखो बाबू क्या है, सेंचुरी ईयर, क्या है सेंचुरी ईयर, एंड कोड ऑफ ईयर्स, कोड ऑफ ईयर्स यानी कोड ऑफ सी वाई, कोड ऑफ ईयर लिख लीजिएगा, सी वाई कोड ऑफ ईयर, प्लस ये क्या लिखे हो, ये लास्ट 2 डिजिट यानी लास्ट, लास्ट 2 डिजिट क्या लिखे हो, लास्ट 2 डिजिट प्लस ये क्या है, ये आपने लीप ईयर खोज के लिखा है, कितने लीप ईयर है यानी प्लस लीप ईयर, एल वाई लीप ईयर, और टोटल के सम को डिवाइड कर देंगे कितने से, 7 से, ठीक है बाबू, ये चीज आया समझ में, ये चीज आया समझ में कि नहीं आया, ये इस चीज को लिख लो, पहले लिखेंगे कोड ऑफ द मंथ, ये डेट ऑफ द मंथ, कोड ऑफ द मंथ, कोड ऑफ द ईयर, सी वाई मतलब कोड ऑफ द ईयर, फिर लास्ट 2 डिजिट लिखेंगे और प्लस लीप ईयर, लीप ईयर खोज लेंगे कितने से, 4 से डिवाइड करके, 4 से डिवाइड करेंगे, गेट क्वेश्चन इज लीप ईयर, आया समझ में कि नहीं है, ये पॉइंट समझ में आया तो बताओ भाई, कितना स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, इसके बाद आगे चलते हैं, हाँ भाई ठीक चलते हैं, ये हो गया बाबू, आओ अब एक दो क्वेश्चन और लेते हैं, सीखते हैं, यहीं पर हटा देते हैं इसको, यहीं पर सीख लेते हैं, ये टेंशन नहीं लेने का, टेंशन देने का टेंशन नहीं, आप रहिएगा जुड़े रहिएगा, टोटल कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर दूंगा, टोटल कैलेंडर में जहां से क्वेश्चन पूछेगा, कितने साल में कितने ईयर होते हैं, 400 साल में कितने डेज होते हैं, कितने लीप ईयर होते हैं,
जो भी क्वेश्चन पूछेगा टोटल कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया जाएगा, आप लोग जुड़े रहिएगा। ठीक, आइए देखते हैं। जैसे मैं बोल दूं कि आप लिखानो एक, आप लिखानो 1 मार्च 2008 को कौन सा दिन था, व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक 1 मार्च 2008। चलो करते हैं। क्या हमने बताया था बाबू इस कॉन्सेप्ट पर चलेंगे, डीएम, डीएम का मतलब डेट ऑफ मंथ, डेट ऑफ मंथ कितना है एक, कोड ऑफ मंथ, कोड ऑफ मंथ कोड कितना, मार्च का कोड क्या आता है, मार्च का कोड क्या होगा बाबू, मार्च का कोड हमने यहां से उठाया 3। प्लस क्या होता है, कोड ऑफ ईयर, सीवाई कोड ऑफ ईयर, भाई ये कौन सा ईयर लगा है, 2000 लगा है कि नहीं है, 2000 लगा है कि नहीं है, तो 2000 के लिए क्या हो जाएगा, आपने तो सर 90 तक बताया, 90 के बाद 20, 21, 22, 23 ऐसे चलता हुआ चला जाएगा, तो 2000 लगा है बाबू, तो इसका कोड क्या हो जाएगा, 90 के बाद 20 क्या होगा, 20, तो 20 का कोड हम लोग रख देंगे। ठीक, क्या 6 अब प्लस लास्ट टू डिजिट मतलब 08, तो 0 रखो चाहे मत रखो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब प्लस, अब बताओ क्या खोजना है, लास्ट टू डिजिट के बाद लीप ईयर, भाई लीप ईयर खोजने के लिए हमें क्या होता है, लास्ट टू डिजिट को 4 से डिवाइड करेंगे, 08 रखो चाहे 8 रखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 8 को 4 से डिवाइड करेंगे कितना मिल जाएगा, 2 लीप ईयर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, प्लस 2 टोटल के सम को 7 से डिवाइड करेंगे, आर जो मिलेगा वही वीक ऑफ द डे होता है, वही वीक ऑफ द डे, आर 1 मिलेगा मंडे, 2 मिलेगा ट्यूसडे, चलता हुआ चला जाएगा, 0 मिलेगा संडे, 0 मिलेगा तो संडे, तो इसको ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 19, ऑल राइट, 20, ठीक, 20 को डिवाइड करोगे बाबू 7 से, आर कितना मिला हमें यहां पर, जब आर मिला हमको 6, आर कितना मिला हमको 6, आर 6 मिला तो फिर डे ऑफ द वीक क्या होता है, सैटरडे, क्या होगा सैटरडे, हमने बताया 1 मिलेगा मंडे, 2 मिलेगा ट्यूसडे, ऐसे बढ़ता हुआ चला जाएगा, 6 मिलेगा सैटरडे, आया समझ कि नहीं आया, आर इक्वल टू वीक ऑफ द डे, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। ठीक है, और क्वेश्चन लेते हैं अपने से, क्वेश्चन मैं दे देता हूं क्वेश्चन, इसके बाद बाबू देखो, इसके बाद आप लोग जुड़े रहना, ये जो भी है क्वेश्चन PYQCET का टोटल क्वेश्चन लगवाया जाएगा, टोटल क्वेश्चन लगवाया जाएगा, और इसका PDF भी अवेलेबल है, आप लोग जुड़े रहिएगा, PDF भी अवेलेबल है। चलिए आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं, बढ़िया सा सुंदर सा, आइए हटा दे इसको, क्वेश्चन लिखिए बाबू, आपको 2 अगस्त 1685 को कौन सा डे होगा, वीक ऑफ द डे 2 अगस्त 1625 करिए। ठीक, चलते हैं, आइए क्या लिखेंगे बाबू, डीएम, डीएम मतलब डेट ऑफ मंथ, 2 प्लस अगस्त का कोड क्या होता है बाबू, 2, अगस्त का कोड यहां से उठाओगे 2, प्लस सेंचुरी ईयर कौन सा लगा, 16 का कोड हमने क्या बताया था, 6 प्लस 25 लास्ट, आप प्लस कितने लीप ईयर हैं इसमें ही बताओ, कितने लीप ईयर हैं, लीप ईयर बाबू 25 को 4 से डिवाइड करेंगे 6 लीप ईयर मिल जाएंगे, टोटल के सम को डिवाइड करेंगे 7 से, सम कितना आ जाएगा भाई, 10, 25, 35 यहां से मिलेगा 35, 6, 41 को डिवाइड करेंगे 7 से, आर मिल जाएगा हमें कितना, 5, आर मिल जाएगा हमें 5, आया स्वामी कि नहीं आया, सॉरी 3। ठीक है, यहां तक आया समझ में,
यानी जो वीक ऑफ द डे हो, जो रिमाइंडर आएगा वही वीक ऑफ द डे होगा। ठीक, थोड़ी सी ये कर लीजिएगा। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं। जल्दी जल्दी में थोड़ा सा मिस्टेक्स हो सकते हैं कैलकुलेशन बाबू, उसको आप लोग सुधार लीजिएगा। ठीक, देखिए आइए, ये लिखानी है आप 1 फेब, तेरह सौ चौदह को कौन सा दिन था, 13 14, 1 फेब 13 14, व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक। करिए, हाँ भाई चले आइए देखते हैं। हमने बताया था बाबू 1 प्लस फरवरी का कोड क्या होता है, 3 प्लस 13 का कोड क्या होता है। भाई आगे बढ़ रहे हो तो इस तरह बढ़ रहे थे 7 16 17 18 19, तो इसका रिवर्स आ जाओ, पीछे जाना है रिवर्स जाना है तो ये आ जाओ रिवर्स आ जाओ 19 18 17 16 फिर 15, यानी आप कर सकते हो रिवर्स करने के बाद आपको 15 15 का 14 13 यहाँ आ जाएगा 13, ऐसा में नहीं है रिवर्स करोगे 19 18 17 16 15 14 17 13, तो 13 आ जाएगा क्या है, 13 का कोड क्या मिलेगा हमको 4 प्लस लास्ट 2 डिजिट, कितने लीप ईयर है 4, ए इसमें 4 से डिवाइड करोगे कितने लीप ईयर मिलेंगे 3 मिल जाएंगे। टोटल का सम कितना हो जाएगा बाबू, ये 10 हो जाएगा 10 और 24 25, टोटल का सम को डिवाइड करेंगे 7 से आर मिलेगा हमको 4, वही वीक ऑफ द डे हो जाएगा, वही क्या हो जाएगा वीक ऑफ द डे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं बाबू। जैसे क्वेश्चन ये दे दे, 5 मार्च 2001 को कौन सा दिन था, करिए तो 5 प्लस मार्च का कोड, 2000 का कोड 6 प्लस लास्ट 2 डिजिट 1 लिख सकते हो, कितने लीप ईयर है भाई, एक भी लीप ईयर नहीं है 0, एक भी लीप ईयर नहीं है, कितने हैं 0, तो इसको का लिखे 0 लिखो चाहे मत लिखो, डिवाइड बाय 7, टोटल के सम को डिवाइड करोगे 7 से तो कितना मिलेगा 8 6 14 15, 15 डिवाइड बाय 7 आर मिल जाएगा हमको 1, वही वीक ऑफ द डे होता है, वही वीक ऑफ द डे होता है। हाँ भाई ठीक है, आइए चलते हैं फिर, यहां तक समझ में आया, वीक ऑफ द डे आप इस तरह से लिखा सकते हो। आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन। दो दिसंबर 2000 को कौन सा दिन होगा, करिए दो दिसंबर 2000 को कौन सा दिन होगा, हाँ भाई चले, हमने बताया बाबू डेट लिखो कोड लिखो कौन सा ईयर लगा है, 2000 का कोड हम यहां से उठा कर रख देंगे भाई, ना इसमें लास्ट टू डिजिट लिखेंगे ना लीप ईयर खेजेंगे, कितना 713 आर कितना मिलेगा हमको 6, ठीक है आर कितना मिला 6,
वी कल डे इज सैटरडे, आया समय कि नहीं आया, वी कब द डे इज सैटरडे, ठीक यहाँ तक समय आया बाबू। अब नोट करके एक चीज लिख लेना, ये चीजें हमेशा गलत कर जाते हैं लोग, हमेशा गलत कर जाते हैं, याद रखना, क्वेश्चन लगाते समय भी आप नोटिस करना। क्वेश्चन अगर दे दे बाबू यहां पर, 2 फरवरी 2008 को कौन सा डे था, व्हाट वाज द टू डे ऑफ द वीक 2 फरवरी 2008, ठीक है। तो क्या था बाबू, इस चीज को लगाने के लिए आप एक कंसेप्ट रखना, एक चीज इसको लगाने के लिए बस नोट करके लिख लेना, नोट करके लिख लेना बाबू। नोट करके लिख लो, इफ मंथ, इफ मंथ, बस दो मंथ याद रखना, जनवरी और फरवरी, इफ मंथ वॉज जैन या फेब, यदि मंथ क्या हो जनवरी और फरवरी हो, यदि महीना क्या हो जनवरी और फरवरी हो, मंथ जनवरी फरवरी हो, और जो ईयर होता है, ईयर हो अगर लीप ईयर हो, लीप ईयर्स हो, तो बाबू डे तो लिखानेंगे सेम उसी तरीके से, डे तो लिखानेंगे उसी तरीके से, लेकिन एक माइनस करके लिखेंगे, क्योंकि लीप ईयर में एक दिन ज्यादा बढ़ जाता है, फरवरी 29 की हो जाती है, एक माइनस करके लिखेंगे, यानी अगर सैटरडे आ रहा है, रियल डे आपका सैटरडे आ रहा है, तो उसको एक माइनस करके लिखेंगे, ठीक है। फ्राइडे, संडे आ रहा है तो एक माइनस करके लिख देंगे सैटरडे, आया समय में कि नहीं आया। जैसे इस क्वेश्चन को लगाते हैं तो सेम जैसे डेली कांते उसे लिखेंगे, लिखिए क्या लिख सकते हैं इस क्वेश्चन को, बस ये दो अप्लाई होना चाहिए, दोनों कंडीशन अप्लाई होना चाहिए, जनवरी जनवरी या फरवरी होनी चाहिए और साथ में लीप ईयर भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि मान लो लीप ईयर कैसे फाइंड करोगे, ये हमने बताया लास्ट टू डेज 4 से डिवाइड हो जाएगा तो लीप ईयर होता है, हमने बताया है। और ये अगर बाबू ऐसा नहीं है कि 5 मार्च 2008 दे दिया तो आप ये देखे कि तो लीप ईयर है सर, यहाँ पर 5 मार्च लगा है, डे ऑफ द वीक लिखाने उसमें से एक माइनस करके रियल डे लिखा, नहीं गलत हो जाएगा, ये लीप ईयर तो है लेकिन ये अप्लाई है क्या कंडीशन, जनवरी या फरवरी है क्या, लीप ईयर ये होना चाहिए साथ में ये भी 100% क्या होना चाहिए, जनवरी या फरवरी। अगर इसी के जगह पर, अगर इसी के जगह पर बाबू दे देगा कि 1 जैन, तब ये अप्लाई होगा, तब ये अप्लाई होगा, समझे कि नहीं समझे, ये भी अप्लाई होना चाहिए, ये भी अप्लाई होना चाहिए। अगर उसी के जगह पर आपको ये 1 जैन तो दे ही दिया, 1 जनवरी तो दे, मान लो 1 जनवरी आपको दे दिया 1 जैन 2009, तो इस पर लागू नहीं होगा, जनवरी तो है, जनवरी तो है लेकिन मंथ लीप ईयर है क्या, ना, दोनों कंडीशन अप्लाई होना चाहिए। आइए देखते हैं इसको, अगर करते हैं बाबू तो क्या मिलेगा हमें, 2 फरवरी 2008 को अगर करेंगे तो 2 प्लस फरवरी का कोड होता है 3 प्लस 2000 का कोड क्या होता है 6, और प्लस प्लस लास्ट कितने लीप ईयर हैं 2 डिवाइड बाय 7 कितना मिलेगा 5 6 11 19 20 21 डिवाइड बाय 7 कितना आ जाएगा 0, रिमाइंडर 0, 0 का मतलब संडे, लेकिन संडे नहीं लेंगे, एक माइनस करके लिख देंगे, डे क्या लिख देंगे सैटरडे, आया स्वामी कि नहीं, एक माइनस करके डे लिख देंगे सैटरडे। जैसे आप इसमें देखते हैं, आइए 2024 में ही देखते हैं छुट्टी रहेगा कि नहीं उस दिन, देखें आओ, जैसे आप लिखो
चलो ठीक देखते हैं। फरवरी का कोड क्या हो जाता है बाबू? 3000 सेंचुरी ईयर लगा है तो 6 प्लस लास्ट 2 डिजिट प्लस कितने लीप ईयर 6 आया समय में। अब बाबू ये सम करने का तरीका भी मैं, ये जो आप सम कर रहे हो इसको भी मैं बुलवा दूं, इसको इसको भी यूज नहीं करोगे, डायरेक्ट बना दोगे, डायरेक्ट बनाओगे, ऐड भी नहीं करना होगा, डायरेक्ट बनाओगे, मैं बता दूंगा उसका भी कंडीशन। अब टोटल को सम करोगे कितना आया, 30 नौ कितना आ जाएगा 39। या तो ये काम करो, ठीक है सम भी कर सकते हो, अब मैं डायरेक्ट ट्रिक बता देता हूं। हमने बताया बाबू 7 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर लेना है, 7 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर लेना है, ठीक। तो आप ये देखो, ये देखो कि 7 से डिवाइड, अगर 7/7 लिख दोगे तो 0 हो जाएगा इसका वैल्यू, 7/7 मतलब 0 हो जाएगा। ये बनाओ कि हमेशा 7 से काट दो, जितना रिमाइंडर आएगा इसको ऐड करते जाओ, जितना रिमाइंडर आएगा इसके साथ ऐड करते जाओ, 7 से डिवाइड कर दो जितना रिमाइंडर आएगा इसके साथ ऐड करते जाओ। जैसे ये 7 से काट दिए खत्म हो गया, खत्म, यहां पर कुछ नहीं बचा। अब 3 है हमारे पास, इसको साफ से लिख लेते हैं, इसके बाद देखते हैं। देखो डायरेक्ट देखो आप, ये जैसे 2 फेब 8 है, तो इसको अगर करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 2 + 3 + 6 + 8 + कितने लीप ईयर हैं, 2 लीप ईयर हैं, 2 लीप ईयर हैं, ठीक है 2008, तो इसमें अप्लाई होगा, 2008 है तो इसमें तो अप्लाई होगा, ये तो लीप ईयर है, ये भी लीप ईयर, ये मंथ है, तो बताओ ये तो काटने, ये मैं काटोगे 1 मिल जाएगा, रिमाइंडर 1 मिल जाएगा, इसको 1 से 1 1 को इसमें डिवाइड ऐड किए तो ये 0 मिल जाएगा, मिला क्या हमको 6 5 5 2 7, यहाँ भी 0 मिल जाएगा, 0 को मतलब संडे संडे, एक नहीं लगे, एक माइनस करके लिखेंगे सैटरडे। आइए वो देखते हैं, हमने बताया था क्या वो दिन, जिस दिन तुम सेलिब्रेट करोगे क्या 2024 में सरस्वती पूजा और कुछ नहीं, या तो ब्लैक डे। आइए देखते हैं, 14 प्लस फरवरी 3 मिलेगा, प्लस 6 मिलेगा, प्लस 24 मिलेगा हमें, प्लस कितने मिलेंगे हमें यहां से 6 मिलेंगे। अब इसको ऐड मत करो, 7 से काट दो, रिमाइंडर जो आएगा उसको लिख लेना, 0 आया खत्म कर दो। अब इसको काट दो, रिमाइंडर कितना आएगा 21 मिला, ये मिला। अब इसको ऐड करोगे 6 3 9 काट दो मिलेगा 2 2, इसके साथ ऐड करो 7 8 मिला, 8 में 1 रिमाइंडर मिलेगा, 1 इसके साथ ऐड कर दो 4 मिला, 4 वही वीक ऑफ द डे होता है, लेकिन 4 लिखेंगे नहीं, 1 माइनस करके लिखेंगे 3 डायरेक्ट, ठीक। ऐड मत करना, ऐड मत करना, काटते जाओ जो रिमाइंडर मिलेगा उसके साथ ऐड करते जाओ। जैसे ये उससे कैलकुलेशन भी इजी हो जाएगा बाबू, जैसे ये करोगे मान लो ये 25 मार्च कौन सा डे होगा, 25 लिखे, मार्च का कोड 3 लिखे, प्लस 90 का कोड 0 लिखे, 90 का कोड क्या लिखे 0 लिखे, प्लस 25 लिखे, प्लस कितने लीप ईयर 6 लीप ईयर, ऐड मत करो, 4 से काटो, अरे 7 से काटो रिमाइंडर के लिए, 7 से काटोगे यहाँ पर क्या मिलेगा 4 मिलेगा, 4 3 7 खत्म कहानी, यहाँ से क्या मिलेगा 4 मिलेगा, 6 4 10 मिलेगा, 6 4 10 ऐड करोगे 3 मिल जाएगा, 3 में 1 माइनस करके 2 लिख देंगे आंसर। आया समझ में कि नहीं आया, ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया, ठीक। आइए देखते हैं, अब बाबू ये तो आप लोग सीख लिए डे लिखाना, ठीक। एक होता है कंपेयर डे, अब लिखाना जाता है कंपेयर डे, जैसे कंपेयर करने के लिए देगा, तो कंपेयर डे में क्या होता है, कंपेयर डे कैसे लिखाना जाता है बाबू, कंपेयर डे का मतलब कंपेयर करके लिखाना पड़ता है, कंपेयर करके लिखाना पड़ता है। जैसे दे देगा इफ 2 फेब 2007 को क्या है मंडे है, क्या है मंडे है, फाइंड व्हाट वाज द
2 मार्च 2008 ये कंपेयर्ड होता है इस तरह से। यदि बाबू इसको इससे कम इसको इसका जो डे लिखाना जाता है इसके साथ कंपेयर करके लिखाना जाता है वो कैसे आइए सीखते हैं। पहले इसका जो दिया है रियल डे लिखाना, रियल डे क्या हो रहा है, ये दिया है मंडे वो उसमें मत जाना, इसे मत जाना, इसका रियल डे लिखाना है क्या, एक्चुअली रियल डे आ क्या रहा है, क्यों मंडे दे दिया है। तो रियल डे जब लिखाना है बाबू हम तो 2 फरवरी 2 प्लस फरवरी 3 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 1 सात काटो यहां पर और 6 7 8 2 3 2 5 5 आ रहा है 5 आ रहा है 5 लेकिन मंडे का मतलब क्या होता है एक दे क्या रहा है एक आ रहा है 5 लेकिन दे क्या रहा है 1 तो बताओ इसको क्या करके लिखा है रियल डे से 4 माइनस करके लिखा है क्या। हाँ 4 माइनस कर सकते हो या प्लस कर 4 माइनस कर सकते हो या इसमें प्लस भी कर सकते हो। अगर 5 में मंडे लाने के लिए कितना प्लस करो कि मंडे आ जाए भाई 5 के बाद 6 आता है 7 आता है 3 ये करोगे तो ये आ जाएगा लेकिन प्लस क्या करोगे माइनस 4 करके लिखा है कि नहीं लिखा है। आपका रियल दिया रहा था 5 दिया है 1 माइनस 4 करके लिखा है ठीक सेम वहां अप्लाई करेंगे और जो यहां किया है वही यहां करके कर देंगे। देखिए 2 प्लस 3 प्लस 2000 का कोड क्या होता है 6 प्लस 8 कितने लिपियर हैं 2 कितने मिल जाएगा वो काट दो यहाँ पर 1 मिला इसके साथ ऐड हुआ 7 बन गया 5 2 5 7 जीरो मिल गया जीरो मिल गया। जीरो का मतलब होता है संडे 4 दिन पीछे चले जाओ वही उसका आंसर हो जाएगा। ये आया समझ में कि नहीं आया यानी जीरो मिला लेकिन जो ऐसे यहां करके लिखा था उसके साथ इसके साथ भी वही करके माइनस 4 करके लिखेंगे 0 माइनस 4 यानी संडे में 4 दिन बैक जाओगे तो जो डी आएगा वही वीक ऑफ द डे हो जाएगा इसका कंपेयर डे का। जैसे एक और लेते हैं जैसे यहां पर क्वेश्चन आउट ऑफ क्वेश्चन पे क्वेश्चन करते हैं जैसे फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं बाबू यहां से कौन सा डे आया एड ऑन मत करना एड ऑन मत करना ठीक डायरेक्ट यहां पे देखो यहां दिया है 25 1999 इसका दे दिया है सैटरडे। सैटरडे का मतलब 6 सैटरडे का मतलब 6 क्या होता है 6 तो ये बताओ पूछ क्या रहा है 30 दिसंबर 1997 भाई इसका रियल डे पहले निकाल लेते हैं पहले लिखा निकाल लेते हैं पूछ क्या रहा था 30 दिसंबर 1997 तो पहले इसका रियल डे निकाल तो 20 प्लस फरवरी का 3 प्लस 19 सेंचुरी लगा है तो 6 की 0 0 0 प्लस 99 प्लस कितने लिपियर हैं भाई 99 को 4 से डिवाइड करोगे 24 चौके 96 टोटल के सम को डिवाइड करेंगे 7 से टोटल के सम को डिवाइड ही मत करो 7 से 7 से काटते चले जाओ 7 से काट दिया यहां मिलेगा 6 7 से काट दिया यहां मिलेगा क्या 4 ठीक 4 मिलेगा सॉरी 3 मिलेगा। अब ये बताओ यहां पर इसको काट दोगे 7 से आर कितना मिल जाएगा 2 8 1 मिला 1 मिला
छ एक सात मिल जाएगा छ, क्या मिल जाएगा थ्री थ्री प्लस सिक्स। सिक्स का मतलब सैटरडे होता है, सिक्स का सिक्स दे ही दिया है, इसमें ना प्लस किया है ना माइनस किया है, जीरो कुछ नहीं किया है, यानी इसका भी सेम वही करेंगे जो वीक ऑफ द डे होगा वही लिख दिया जाएगा। आओ देखते हैं, तीस प्लस दिसंबर का कोड हमने बताया था पांच, उन्नीस सौ का जीरो नाइन्टी सेवन, आप प्लस कितना ट्वेंटी फोर, ठीक है बताइए कितना है भाई। दो नीचे है ये, यहां संतानवे था, यहां पर सेम वही है, और थर्टी दिसंबर, चलो और देखते हैं, इसको काट दो कितना मिलेगा, दो पांच दो सात कहानी खत्म, यहां पर कितना मिलेगा तीन, यहां पर कितना मिलेगा आपको दो छ, छ तीन नौ, नाइन को डिवाइड करोगे दो से सात से तो आएगा दो, दो का मतलब आया समझ नहीं आया, ऐड मत करना प्लस मत करना, ठीक है आप लोग समझ रहे हो। आइए सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं, करिए दियर नेक्स्ट रूलर ईयर, अच्छा रिपीटेड ईयर, चलिए इसको भी कर लेते हैं, इस कॉन्सेप्ट को भी कर लेते हैं। रिपीटेड ईयर का मतलब, ये रिपीटेड ईयर का मतलब होता है बाबू कि कौन से साल फिर पुनः वही रिपीटेड होगा। रिपीटेड का मतलब होता है कि अगर, रिपीटेड का मतलब होता है, इसको हटाते हैं, रिपीटेड ईयर का मतलब होता है बाबू, देखो सिंपल क्वेश्चन करते हैं, रिपीटेड ईयर का मतलब होता है जैसे टू, आप बड़ा नहीं कर, वो बड़ा किए थे, अब उसका कंसेप्ट मैं क्लियर कर रहा हूँ, हाँ हाँ मैं कंसेप्ट इसका क्लियर कर रहा हूँ, अब ये आप नहीं आएगा कि रुके, चलिए ठीक है। तो ये बाबू होता है रिपीटेड ईयर का, ठीक, तो रिपीटेड ईयर करते हैं, जैसे रिपीटेड ईयर क्या होते हैं, रिपीटेड ईयर का मतलब होता है कि अगर 2 जनवरी 2005 को दे दिया है, मंडे है, तो कौन सा ऐसा ईयर होगा, कौन सा ऐसा ईयर होगा जो सेम सेम डेट को मंडे ही आए, कौन सा ऐसा ईयर होगा जो सेम डेट को मंडे आए, यानी सेम डेट को सेम डे आने की प्रोसेस ही रिपीटेड कैलेंडर होता है। 2008 में जैसे 25 तारीख को मंडे था, तो अगर 2025 में 25 तारीख को मंडे आ रहा है, तो आप समझो कि 2008 का 2025 का कैलेंडर रिपीटेड है, क्या है कैलेंडर रिपीटेड है। ऐसा एक छोटा सा ट्रिक देखो, रिपीटेड कैलेंडर का एक ट्रिक देते हैं, आंसर तुरंत आ जाएगा। अगर रिमाइंडर 1 2 3 4 कंसेप्ट, 1 आए तो 6 ऐड करेंगे, 3 आए, 2 आएगा तो 11, 3 आएगा तो 11, 4 आएगा तो 28, बस कहानी खत्म, कहानी खत्म यहीं पर। 1 आएगा तो 6, 2 आएगा तो 11, 3 आएगा तो 11, 4 आएगा तो 28। आइए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को क्या है, आइए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। हाँ भाई करिए करिए, देखिए 94 ये क्या है, 1987 है, करिए 1987 को लास्ट टू डिजिट को कितने से डिवाइड कर दोगे, 4 से डिवाइड कर दोगे, लास्ट टू डिजिट को 4 से डिवाइड कर दोगे, लास्ट टू डिजिट को 4 से डिवाइड करने के बाद आर कितना आ रहा है आपका, आर आएगा 3, आर कितना आएगा 3, 4 से डिवाइड कर देंगे आर कितना आ जाएगा 3, आर जो 3 आएगा बाबू वही ऐड कर दोगे, 3 का मतलब क्या होता है, कितना ऐड करना है, 3 का मतलब 11, तो इसमें 1987 में 11 ऐड कर देंगे, 3 आएगा तो कितना ऐड करेंगे, 2 आता तो कितना ऐड करते, 1 आता तो कितना ऐड करते, 4 आता तो कितना ऐड करते, तो कितना हो जाएगा, कौन सा ईयर रिपीटेड है भाई, हाँ बोलो, आया समझ में नहीं है, जैसे एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं, जैसे बोल देगा कि 2005
2005 के बाद कौन सा कैलेंडर रिपीटेड होगा, कौन सा कैलेंडर रिपीटेड होगा? 2005 में जो दिन जो डेट को जो दिन रहेगा सेम डे सेम दिन सेम डे सेम मंथ को ये कौन सा रहेगा डे आप लिखाते हैं तो क्या लिखाने के बताओ। 4 को 5 को डिवाइड करेंगे, 4 से आर आया 1 और 1 आएगा तो क्या ऐड करेंगे भाई, तो लास्ट में 1 ऐड करो यानी 2011 होगा रिपीटेड। आया स्वामी कि नहीं आया, ये क्लियर कॉन्सेप्ट हुआ? ठीक, आइए तीसरा क्वेश्चन करते हैं। ये ट्रिक है बाबू, इसको लिख लीजिएगा आप लोग। एक और क्वेश्चन कर लो, मान लो ये दे दिया तो 1925 के बाद कौन सा कैलेंडर रिपीटेड होगा, इसको प्रूफ करके आप देख सकते हो। एक मान लो 25 जनवरी 2025 को ले लेना, असम इसका रिपीटेड कैलेंडर जो लिखाने को वो ले लेना और देखना कि सेम डे में सेम दिन आ रहा है कि नहीं, आ जाएगा 100%। ठीक, सेम डेट को सेम दिन आएगा कि नहीं, आइए देखते हैं। 1925 के बाद कौन सा कैलेंडर रिपीटेड हुआ, यानी 1925 में जो डेट को जो ये डे रहेगा उस सेम कौन सा ऐसा ईयर होगा जो सेम डेट सेम डे रहेगा। ठीक, आओ देखते हैं। 25 को 4 से डिवाइड करेंगे, मिला क्या आर हमें, 1 आर 1 मिलेगा तो कितना ऐड कर देंगे, आर 1 मिलेगा तो ऐड कर देंगे 6, यानी 1931 फिर रिपीटेड होगा, 1931 फिर रिपीटेड होगा। आया समझ में कि नहीं है? आओ सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आइए देखते हैं, चलिए बाबू इसको करते हैं। देखिए फोर्थ क्वेश्चन को कर दूंगा डिस्कशन में, थर्ड क्वेश्चन को मैं कर दूंगा डिस्कशन, पहले इस टाइप के क्वेश्चन जिसने बनाए उस टाइप के क्वेश्चन को कर लेते हैं और 5 कर लेते हैं। चलिए भाई बनाइए, इस टाइप के क्वेश्चन लगवाए हमने। हाँ भाई बताए, 2nd मार्च 2020 वाज़ द मंडे, देन फाउंड व्हाट वाज़ द डे ऑन 13 मार्च 2020। आया भाई, आप लिखो 2 प्लस मार्च का कोड क्या होता है, हमने क्या बताया था, मार्च का कोड 3 प्लस, ये क्या लगा है, 2000 का कोड क्या होता है, 6 प्लस 20 प्लस कितने लीप ईयर है इसमें लगा भाई, आप 4 से डिवाइड करोगे 4 लीप ईयर मिल जाएंगे, सॉरी 5, कितने लीप ईयर मिलेंगे 5, टोटल सम को डिवाइड करोगे 7 से, 7 से डिवाइड करो या डायरेक्ट कर दो, 7 से भी डिवाइड मत करो, डायरेक्ट कर दो, देखो ये डायरेक्ट वाला टूल भाई, ये बताओ जहां जहां 7 मिलेगा उसको काट दो, 5 2 7 कहानी खत्म, बताओ 6 3 9 मिला हमें तो 22 को ऐड करोगे और क्या मिलेगा, 21 एक रिमाइंडर, एक रिमाइंडर का मतलब क्या आया, एक रिमाइंडर आया और दिया क्या था मंडे, यानी मंडे इक्वल टू मंडे दिया है, मंडे इक्वल टू मंडे दिया है, और सेम इसका पैटर्न सेकेंड वाला का निकाल लेंगे 30 मार्च, इसका इसे कंपेयर कर लेंगे, एकदम सेम जो था वही दिया, इसका जो सेम था वही दिया। बाबू आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं और जो अभी पीडीएफ है अवेलेबल उसको कॉल किया जाएगा, एक HW देख लो, एक HW लिख लो बाबू, इस क्वेश्चन को करना सेम ऐसा क्वेश्चन मैंने बताया है, HW रहेगा, इस क्वेश्चन को करिए आप लोग, टोटल आपको कैलेंडर क्लियर किया जाएगा। और बाबू इसका ऑफलाइन गुडविल एडुकेयर का ऑफलाइन सेंटर लंका थाना के जस्ट बगल में अवेलेबल है, आप विजिट करिए, ऑफलाइन के लिए बेहतर
संस्था है ये, और अधिक से अधिक क्लास अवेलेबल है। जब चाहे जिस टाइम पे आपको कंफर्टेबल होगा उस टाइम पे आपको क्लास अवेलेबल है। यहाँ पर सभी सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर मिलेंगे, एक्सपर्ट मिलेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।